हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी पाठशाला। आज हमारी वीडियो का टॉपिक पायरिला परपुसिला शुगर केन लीफ होपर। पायरिला परपुसिला शुगर केन लीफ होपर, तो जो ये पेस्ट है इसको शुगर केन लीफ होपर बोलते हैं, क्योंकि ये मोस्टली क्या करता है, जो शुगर केन लीव्स हैं उनको ही खाने का काम करता है। ठीक है, तो या ये पूरी तरह डिपेंड होता है शुगर केन लीफ पे। तो जब ये वहाँ से उनको खाएगा तो क्या करता है, डैमेज करेगा। अब हम देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये मिलता कहाँ है। शुगर केन लीफ होपर इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इंडिया। शुगर केन लीफ होपर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द इंडिया, मतलब ये इंडिया में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ठीक है, इट मे कॉज सीवर डैमेज टू शुगर केन इन यूपी एमपी एंड महाराष्ट्र। इट कॉज सीवर डैमेज टू शुगर केन इन यूपी एमपी एंड महाराष्ट्र। ये थ्री स्टेट्स जो हैं इंडिया की, ये लार्जर प्रोड्यूसर हैं शुगर केन के, तो इसीलिए जो ये आपका पेस्ट है ये मोस्टली कहाँ मिलेगा या सबसे ज़्यादा डैमेज कहाँ पे करेगा, इन थ्री स्टेट्स में ये सबसे ज़्यादा डैमेज करेगा, जिसमें आएगा आपका उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम देखते हैं होस्ट, इस पेस्ट के लिए होस्ट क्या है। पायरिला इज मेजर पेस्ट ऑफ शुगर केन। मेजर पेस्ट तो ये शुगर केन के लिए, बट इट इज ऑल्सो अटैक्स, लेकिन ये और दूसरी जो हमारी क्रॉप्स हैं उनको भी डैमेज करता है, जिसमें आएगा मेथ, वीट, मिल्ट, बार्ले, बाजरा, ओट एक्सेट्रा। तो शुगर केन से अलग ये कुछ और आपकी जो क्रॉप्स हैं, जैसे कि मेज, वीट, मिल्ट, बार्ले, बाजरा, ओट्स, इनको भी डैमेज करने का काम करता है। अब मॉर्फोलॉजी, अगर हम थोड़ा मॉर्फोलॉजी पे ध्यान देते हैं, तो मॉर्फोलॉजी में यहाँ पे आप देखना, द एडल्ट इंसेक्ट, एडल्ट इंसेक्ट इज पेल स्ट्रो इन कलर एंड वेरी एक्टिव। जो एडल्ट होगा वो पेल स्ट्रो इन कलर होगा, बिल्कुल लाइटिश येलो, लाइटिश येलोइश कलर का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड वेरी एक्टिव, वो बहुत एक्टिव होता है। जो उसकी मेजरमेंट या जो उसकी लेंथ है वो है 8 to 10 मिलीमीटर। द हेड इज प्रोलोंग्ड एंटीरियरली एंड स्नाउट लाइक स्ट्रक्चर एंड हैज प्रोमिनेंट रेड आइज। जो इसका हेड है वो प्रोलोंग्ड एंटीरियरली प्रोलोंग, मतलब आपने होपर्स जो देखे हैं, ग्रास होपर्स जो देखे हैं, उसी की अगर आप बात करें उसी की ये एक वेराइटी है। और बस इसमें थोड़ा चेंजेस क्या है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्नाउट लाइक है, और दूसरा इसमें रेड आइज आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अ पेयर ऑफ वाइटिश ब्राउन एनल प्रोसेस कवर्ड विद वाइट मीली वैक्स हेल्प इन अप एंड डाउन एक्टिव। जो इसका एनल एनल प्रोसेस है वो क्या है आपका, मतलब वो वाइटिश ब्राउन कलर है और वो कवर्ड हुआ हुआ है, मतलब उस पर कवरिंग है वाइट मीली वैक्स की, और वो कवरिंग क्या हेल्प कर रही है यहाँ पे उसको डाउनवर्ड एक्टिव मूवमेंट में, मतलब वो जो इंसेक्ट का जो मूवमेंट करने का जो प्रोसेस है उसमें वो जो कवरिंग है वैक्स कवरिंग वो वहाँ पे हेल्प करेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइफ हिस्ट्री। लाइफ हिस्ट्री में है इट ब्रीड थ्रू आउट द ईयर, ये पूरे साल ब्रीडिंग करता है। ठीक है, द फीमेल ले एग थ्रू आउट द, मतलब ये साल में कभी भी ब्रीडिंग कर सकता है। और वो फीमेल कितने एग, मतलब फीमेल ले एग इन क्लस्टर, क्लस्टर फॉर्म्स में यहाँ पे एग लेइंग करती है फीमेल, तो उसमें है 300 to 500 eggs ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव ड्यूरिंग समर अप्रैल और मई एंड इनसाइड द लीव शेड ड्यूरिंग विंटर अक्टूबर नवंबर। अब थोड़ा यहाँ ध्यान देना, जो फीमेल लैग फीमेल एग लेइंग जो कर रही है वो है लोअर सरफेस ऑफ लीफ ड्यूरिंग समर, समर टाइम पे जो होगा जो एग लेइंग है वो लोअर सरफेस पे होगी लीफ के, और जो आपका विंटर कंडीशन होगी वहाँ पे क्या होगा, इनसाइड द लीफ शीट। ठीक है, अब नेक्स्ट है यहाँ पे द एग आर ओवल। अब एग क्या कैसे है, स्ट्रक्चर क्या है एग का, वो है ओवल शेप एग होंगे, शाइनिंग एंड पेल वाइट, शाइनिंग और पेल वाइट उनका जो कलर होगा, या फिर ग्रीनिश, या तो शाइनिंग पेल वाइट होंगे या फिर वो ग्रीनिश इन कलर होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, ये है लाइफ हिस्ट्री ऑफ पायरिला परपुसिला परपुसिला। तो यहाँ पे है फर्स्ट, आप यहाँ पे देखना एग, यहाँ पे एग लिंग जो है वो लीफ पे
एग लेइंग हो रखी है, और यहाँ पे क्या 3 to 5 लॉन्गिट्यूडनल रोज, या आपको रोज में जो एग लेइंग है वो रोज में है, मतलब रो में लगा हुआ जो अरेंजमेंट है। फिर यहाँ पे क्या है 50 एग्स यहाँ पे फीमेल ने ले किए। अब यहाँ से एग जो है ये आपको यहाँ पे थोड़ा मतलब ब्रोड उसमें दिखा दिया है। फिर नेक्स्ट यहाँ से एग का कन्वर्जन, एग टू निम्फ जो कन्वर्ट होंगे वो होंगे 7 to 22 days, 7 से 22 दिन लगेंगे एग टू निम्फ कन्वर्ट होने में। और ये क्या है समर में, ये समर की कंडीशन है कि अगर समर कंडीशन है तो 7 to 22 days में जो एग हैं वो निम्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर कंडीशन है विंटर वाली कि जो एग लेइंग है वो विंटर में हुई है, तो वहाँ पे क्या है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया डिलेड इन विंटर, विंटर में ये टाइम पीरियड क्या है डिले हो जाएगा या फिर इंक्रीज हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, निम्फ निम्फ किस कलर का, डर्टी वाइट इन कलर, जो निम्फ है वो डर्टी वाइट इन कलर होगा। अब यहाँ पे जो है आपके पास 5 मंथ निम्फ टू अडल्ट, निम्फ टू अडल्ट कन्वर्जन के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 5 मंथ 6 वीक, 5 मंथ 6 to 8 वीक। 5 मंथ मतलब 5 महीने में इन्होंने कैसे बताया कि देखो आपको जो 6 to 8 वीक्स हैं वो आपके लगने हैं समर में, 6 to 8 वीक्स प्लस 4 मंथ इन विंटर। तो ये दोनों टाइम पीरियड को ज्वाइन करके इन्होंने कहा है 5 मंथ्स जो है निम्फ टू अडल्ट कन्वर्ट होने में लग जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो मतलब यहाँ पे जो ये पारेला परपिसिडा है इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे डैमेज, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं डैमेज, डैमेज कोस्ट बाय पारेला परपिसिडा परपिसिडा। तो यहाँ पे बोथ निम्फ एंड एडल्ट सक द सेल सैप ऑफ सकुलेंट लीव्स ऑफ शुगर केन। अब जो दो कंडीशन हैं या दो स्टेजेस हैं निम्फ और एडल्ट वाली, दोनों ही क्या करते हैं सेल सैप जो है, जो लीव्स में सेल सैप प्रेजेंट है उसको सक कर लेते हैं। सेल सैप एक तरह से लिक्विड पार्ट है या इनर मटेरियल हम बोले, अगर वो ही वहाँ से सक कर लिया जाएगा तो लीफ डैमेज होना शुरू हो जाएगी। और इसके रिजल्ट में क्या देखने को मिलेगा, आपको लीफ टर्न इंटू येलो एंड ड्राई अप, लीफ जो है वो येलोइश ग्रीन येलो होनी शुरू हो जाएंगी और सूखनी शुरू हो जाएंगी। तो मतलब ये रीजन क्या है यहाँ पे, निम्फ एंड एडल्ट सब सेल सैप, निम्फ और एडल्ट ने सेल सैप सब किया, या एक तरह से हम क्लोरोफिल पार्ट है उसका जो भी ना मटेरियल है उसको बोल सकते हैं। उसकी वजह से क्या आपको रिजल्ट मिल रहे हैं, लीफ टर्न येलो एंड ड्राई, जो लीव्स हैं वो येलो हो जाएंगी और ड्राई हो जाएंगी। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें, निम्फ एंड एडल्ट सक सेल सैप एंड सिक्रीट स्वीट स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड। जब निम्फ और एडल्ट वहाँ पे सक कर लेंगे सेल सैप को, उसके बाद वो वहाँ पे सिक्रीट कर रहे हैं कुछ स्टिकी सब्सटेंस, स्टिकी ट्रांसपेरेंट लिक्विड जिसका नाम है हनी ड्यू, जिसे हम हनी ड्यू बोलते हैं। ठीक है, अब वो क्या करेगा, हनीड्यू क्या करता है, इट अट्रैक्ट हार्मफुल फंजाई। ये जो उनके लिए तो ये वेस्ट मटेरियल है, लेकिन कुछ और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको एज अ फूड सोर्स यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, इट अट्रैक्ट हार्मफुल फंजाई, ये हार्मफुल फंजाई को अट्रैक्ट करेगा। फंजाई ग्रो इन फॉर्म ऑफ ब्लैक शूटी मोल्ड। अब फंजाई वहां पे आएगी और वो किस फॉर्म में ग्रो हो रही है, ब्लैक शूटी मोल्ड के फॉर्म में ग्रो हो रही है। अगर वहां पे फंजाई ग्रो हो जा रही है उस लीव्स पे या शुगर के लीव्स पे फंजाई ग्रो होगी, तो उसका उससे क्या इफेक्ट होगा, उससे रिजल्ट जो होगा वो होगा कि पुअर फोटोसिंथेसिस एंड लॉस ऑफ शुगर कंटेंट, जो फोटोसिंथेसिस है वो वहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि जो न्यू फॉर एडल्ट है वो सेल शेप को ही सक कर ले रहे हैं, तो वैसे क्लोरोफिल रिमूव हो जाना है। फिर दूसरा लॉस ऑफ शुगर कंटेंट, शुगर कंटेंट को भी वो लो कर देगी शुगर के अंदर। अब हम बात करते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हम बचाव कैसे करें इससे। तो इसमें है फर्स्ट यहाँ पे यूज फिनाइल वाटर फॉर डेस्ट्रोइंग एग। हमें अगर मतलब जो हमें ये देखने को मिले कि वहाँ पे एग ग्रो हो गए हैं, तो हम क्या करें अपने जो क्रॉप है उसमें फिनाइल वाटर स्प्रे कर दें। सेकेंड है नाइट्रोजन शुड बी वेल बैलेंस्ड इन सॉइल। जो सॉइल है आपकी, जो आपकी फील्ड में सॉइल प्रेजेंट है वहाँ वहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसका लेवल क्या है, वेल बैलेंस्ड या मेंटेन होना चाहिए। थर्ड वन है पायरेला रेसिस्टेंट वेराइटी। अब हम क्या कर सकते हैं अगर हमें डिजीज ना हो, इसलिए मतलब ये डिजीज प्लांट में ना देख ली जाए या ना हो, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी फील्ड में कुछ पायरेला रेसिस्टेंट वेराइटीज ग्रो करा सकते हैं, जिसमें हमारी है C0365,
एंड C0975 जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं जिसमें कुछ ऐसे जीन्स डाले गए हैं जो क्या हैं, पायलर असिस्टेंट हैं। नेक्स्ट है हम यूज वेटलेट वेटेबल पाउडर ऑफ एग्रोसाइड। हम एग्रोसाइड का वेटेबल पाउडर भी यूज कर सकते हैं, उसकी स्प्रे कर सकते हैं अपने फील्ड में। नेक्स्ट है गामा BHC मिक्स्ड विद 10 लीटर ऑफ केरोसिन ऑयल शुड बी फोग्ड ऑन द क्रॉप। हम क्या कर सकते हैं अगर हमें ये सब प्रिवेंशन के बाद, लास्ट प्रिवेंशन यहाँ पे क्या है कि हम गामा BHC को 10 लीटर केरोसिन में मिक्स करके मिक्सचर बना लेंगे और उसको हम क्या करेंगे अपनी फोक कर देंगे अपनी क्रॉप पे, अपनी क्रॉप पे हम उसकी स्प्रे कर देंगे। इससे भी हम क्या कर सकते हैं अपनी क्रॉप को प्रिवेंट कर सकते हैं पायरेला पेस्ट से। सो गाइज, ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।